हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित छाबरा एंड टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 12th रे ऑप्टिक्स। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल माइक्रोस्कोप। एज वी ऑलरेडी नो व्हाट माइक्रोस्कोप इज, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू मैग्नीफाई स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स विच वी आर अनेबल टू सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हियर इज, इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। So let's start this video. What is a simple microscope? A simple microscope is just a convex lens of short focal length. Short focal length. यहाँ पे short focal length का मतलब है कि इसकी converging power बहुत ज़्यादा है. For example, अगर मैं यहाँ से कोई ray of light को, इस ray of light को मैं अगर suppose यहाँ पे incident कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इसकी short focal length है, इसका मतलब इसकी converging capacity ज़्यादा है. ये जो एंगल फॉर्म होगा, जो डेविएशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे डेविएशन को मैं डेल से यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, ये डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा। तो शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब है कि इसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसमें दोनों साइड फोकस मार्क कर रहा हूँ। आई एम मार्किंग फोकस ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस एंड आई वॉन्ट टू मेक अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इन ऑर्डर टू मेक अ वर्चुअल इमेज I have to place an object in between focus and optical center. यहाँ पे focus और optical center के बीच में हम लोग object को place करेंगे। इस object को यहाँ पे ही इसलिए place किया गया क्योंकि हम लोग इसमें right side से देखने वाले हैं, microscope के right side से हम लोग देखेंगे और इसकी जो image form होनी चाहिए फिर left side पे form होनी चाहिए। और जिस तरह से ये object यहाँ पे रखा हुआ है, same ऐसी ही image यहाँ पे भी होनी चाहिए। मतलब erect situation में है ये और इसको भी हम लोग erect situation में यहाँ पे image form करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, optical center of focus के बीच में मुझे इस object को place करना होगा। तो सबसे पहले ले फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है उसको हम कन्वर्ज कर देते हैं थ्रू फोकस एंड द सेकेंड रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। आई एम ट्रेसिंग दिस रे ऑन द बैक साइड टू गेट द वर्चुअल इमेज। मुझे यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म करनी है क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। तो ऑब्जेक्ट जिस तरह से, जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में होगा, मुझे उसकी इमेज ही बिल्कुल वैसे ही नजर आएगी। मीन्स सीधी ऑब्जेक्ट अगर मैंने सीधा है तो मेरे को जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज भी कैसी होगी, सीधी ही होगी। तो इसलिए फॉर्म करते हैं हम लोग इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर एक चीज़ और है, एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर एन ह्यूमन आई, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर्स। 25 सेंटीमीटर्स में अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आईज के सामने रखूंगा तो मैं उस ऑब्जेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक इजीली देख सकता हूँ, उस चीज़ को क्लियरली देख पाऊंगा। तो कम से कम वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे मैं जो इमेज फॉर्म करना चाहता हूँ वो इमेज हमेशा कहाँ पे होनी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्योंकि अगर वो इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम होगी, मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर वो इमेज कम होगी डिस्टेंस से, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आएगा। तो कम से कम वो डिस्टेंस लेना जरूरी है। इस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को मैंने डी से मार्क कर दिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला क्या होता है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा क्या मतलब है इसका, कि अगर मैं स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बीटा अपॉन अल्फा। मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज फॉर्म हो रही है, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रही है वो बहुत स्मॉलर है, तो हम लोग उसको इस तरह से मैंशन करके लिख सकते हैं। जिस तरह से मैग्निफिकेशन आप फाइंड करते हो लेंसेज के केस में, बाय द फॉर्मूला एम इक्वल्स टू वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला आप यूज करते हो मैग्निफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं एंगुलर टर्म्स में ये मैग्नीफिकेशन फाइंड कर रहा हूँ और मैं इसको लिख रहा हूँ 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब कन्फ्यूजन वाली बात ये भी फिर होगी कि यहाँ पे 10 बीटा और 10 अल्फा है क्या चीज़। तो ये 10 बीटा वो एंगल है, देखो 10 बीटा यहाँ पे वो एंगल है जो इमेज फॉर्म कर रही है ऑप्टिकल सेंटर के साथ, जो इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, मेरी जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि वर्चुअल इमेज को हम लोग हमेशा डॉटेड लाइन से फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ ए बी,
तो इमेज फॉर्म हो रही है ए डैश बी डैश, कहां पे फॉर्म हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से डी डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। अब ये जो इमेज एंगल फॉर्म कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, इस रे को जो हमने पीछे बैक साइड में ट्रेस किया, इस एंगल को मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं विद सर्टेन एंगल से बीटा। तो हियर बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हेन इट इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहां पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो यहां पे ये हो गया मेरा बीटा। चलो अब व्हाट इज अल्फा हियर? तो अल्फा भी इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं बैक साइड में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे एज्यूम कर रहा हूं, यहां पे मैंने इसी ऑब्जेक्ट को इस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे एज्यूम किया, यहां पे मैंने इसको मार्क कर दिया सपोज इस पॉइंट को ए डबल डैश से। ये एंगल ऑप्टिकल सेंटर से जो एंगल फॉर्म करेगा, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा कंपैरिजन जब भी हम लोग करते हैं तो एक साइड एक जैसा ही होना चाहिए, तो यहां पे बीटा को भी मैंने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मार्क किया है और ऑब्जेक्ट को भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मार्क किया है। अब हम लोग इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे हम। तो एम इज 10 बीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि एंगल देखो ये एंगल सेम है, तो ए बी मैंने यहां पे मार्क कर रहा हूं ए बी अपॉन 10 अल्फा। 10 अल्फा यहां पे 10 अल्फा क्या चीज होने वाला है? देखो 10 बीटा दिस इज परपेंडिकुलर और बेस, बेस कितना है यहां पे? ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग मार्किंग करते हैं ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग मेंशन करते हैं यू से, तो यहां पे मैंने इस डिस्टेंस को अभी लिख रहा हूं बी ओ। चलो अब लिखते हैं 10 अल्फा के लिए, तो 10 अल्फा यहां पे क्या होगा? ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश अपॉन बेस बी डैश ओ, यहां पे लिख सकते हैं हम बी डैश ओ। अब यहां पे ए बी और ए डबल डैश बी डैश दोनों ही सेम है, सेम डिस्टेंस है, मतलब दोनों को हमने ट्रेस किया बैक साइड में, तो ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और यहां पे मैग्निफिकेशन की जगह पे आप लिख सकते हो बी डैश ओ अपॉन बी ओ। अब बी डैश ओ को लिख लेते हैं, बी डैश ओ इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी लिख सकते हैं, और यहां पे बी ओ को हम मार्क कर सकते हैं यू से। अब दोनों ही लेफ्ट साइड पे हैं, दोनों ही लेफ्ट साइड पे हैं, तो लेफ्ट साइड पे माइनस साइन से डिनोट कर देते हैं और इनको कैंसिल कर देते हैं, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास वही डी अपॉन यू। जरा इसी के लिए रिलेशन फाइंड करते हैं, हमें पता है कि जो लेंस फॉर्मूला है, थिन लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब वी यहां पे क्या है, यू क्या है, सिर्फ मार्क करते हैं वी, तो इमेज डिस्टेंस होता है और यहां पे इमेज जो फॉर्म हो रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है, तो मैं यहां पे वी को रिप्लेस करने वाला हूं लेफ्ट साइड पे है माइनस डी से। यहां पे यू को मैं रिप्लेस करने वाला हूं यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ऑफ यू से, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड पे बताते हैं, तो इसलिए हमेशा माइनस साइन से ही डिनोट कर सकते हैं करते हैं। जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 अपॉन f = 1 अपॉन -d - 1 अपॉन -u, इसी को कैंसिल करके मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं 1 अपॉन f = -1 अपॉन d - -1 अपॉन u। अब मुझे जो मैग्निफिकेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं डेट इज d अपॉन u, और यहाँ पे 1 अपॉन f फोकल लेंथ की फॉर्म में फाइंड करना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे थिन लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं डेट इज 1 अपॉन f = 1 अपॉन v - 1 अपॉन u। तो इसको इस फॉर्म में जरा चेंज करके देखें, ये मैग्निफिकेशन हमें पता है होता है, इसकी जगह पे m से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया d से। अगर मैं यहाँ पे d से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये d अपॉन f हो जाएगा, ये d अपॉन d 1 माइनस 1 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, और ये हो जाएगा d अपॉन u, और d अपॉन u मुझे पता है क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, d अपॉन f = +1 = m। तो ये मैग्निफिकेशन हमने फाइंड किया एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए
इस रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कब जब भी हम लोग यूज करते हैं उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन के लिए, उसमें रिलेशन को ड्राइव करने के लिए, उसकी मैग्निफिकेशन को फाइंड करने के लिए. तो ये रिलेशन हम लोग एज इट इज उसके अंदर यूज करते हैं ताकि हमारी जो इतनी सारी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उस सिंपल माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है वो बिल्कुल सिंपल है, सिंप्लीफाइड है. हम यहाँ पे जो इमेज को देख रहे हैं वो हम लोग यहाँ से इसको देख रहे हैं, इस साइड से हम लोग इसको देख रहे हैं. तो ये एक तरह से आईपीस की तरह एक्ट कर रहा है. आईपीस वो लेंस होता है उसको हम कहते हैं जो हमारे आई से बहुत क्लोज है. तो जो भी रिलेशन हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए यूज करेंगे वहां पे आईपीस जिसको भी हम लोग इमेजिन करेंगे, क्योंकि वहां पे अपन लोग मल्टीपल लेंसेज यूज करेंगे, तो जो लेंस हमारे आई के जस्ट क्लोज होगा उस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, आईपीस कहेंगे. और इस रिलेशन को हम लोग जो ड्राइव किया हमने वहां पे एज इट इज यूज कर सकते हैं. सो आप लोगों को समझ में आया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.